में अगर इंसान अपनी जिंदगी को ढाल देता है तो ये इंसान
इंसान की कामयाबी है। तो जब हम गौर से इस किताब का मुतालिया करते हैं, दिक्कत से उसके माना और मफाहीम पर हम तवज्जो करते हैं, तो वो मकसद जो नुज़ूल कुरान का अल्लाह ने बयान किया है, उस मकसद से हम आशना होते हैं। बड़ी आसानी से हम आयतों से गुजर जाते हैं। अलबत्ता आज भी हमारे ज़ेर ज़बर और पेश में भी गलती है। इतने साल से हम कुरान की तिलावत करते हैं, तब भी कुरान की हरकतों में हमारे मिस्टेक्स नहीं पाए जाते हैं। बहरहाल ये जो माह मुबारक रमज़ान आ रहा है, इसमें कम से कम एक तब्दीली कुरान की तिलावत के हवाले से हमारे अंदर पैदा होना चाहिए कि हम इस कुरान को तर्जुमे के साथ कम आयतों की तिलावत करें, लेकिन दिक्कत के साथ और फिक्र के साथ और माना और मफाहीम को समझ कर हम कुरान की तिलावत करें। तो खुसूसी तौर पर इसलिए कि अब एक ही महीने में पूरे तर्जुमे और तफसीर के साथ हम पढ़ नहीं सकते, शुरुआत के लिए एक बेहतरीन तरीका ये है कि आपको मालूम है माह मुबारक रमज़ान में कुरान की एक आयत की तिलावत करना दूसरे महीनों में पूरे कुरान ख़त्म करने के बराबर है। हर आयत के बदले एक कुरान का सवाब हमें मिलता है। तो क्यों ना हम सबसे आखिरी पारे से शुरू करें। इस पारे की आयतें भी छोटी हैं, सूरे भी छोटे हैं। एक एक सूरा तर्जुमे के साथ हम पढ़ेंगे, उसके माना और उसके अल्फाज पर दिक्कत करेंगे, उसके तर्जुमे पर गौर करेंगे। तो छोटी आयतें हैं, अब ये तो नहीं कहा गया कि छोटी आयत के बदले आधे कुरान का सवाब मिलेगा, बड़ी आयत के बदले एक कुरान। सिर्फ यही हमसे कहा गया है कि हर आयत के बदले कुरान की तिलावत का मुकम्मल सवाब मिलता है। तो हम आखिरी पारे से शुरू करेंगे, इसलिए कि छोटे सूरे हैं, अक्सर छोटी आयतें हैं, तो ज़हन नशीन करने के लिए आसान ही हमारे लिए है। और जब हम आखिरी पारे की तरफ गौर करेंगे तो उसमें देखेंगे अक्सर आयतें इंसान को आखिरत की याद दिलाती हैं, क़ियामत और आसार क़ियामत, यानी क़ियामत से पहले जो अलामतें ज़ाहिर होंगी, जो कैफियतें होंगी, जो नशानियाँ होंगी, उन नशानियों की तरफ इन आयतों में इशारा किया गया है। आखिरी पारे क्या कैफियत होगी, अल्लाह अकबर, इंसान मुतवज्जे होता है तो शायद उसे नींद ना आए ना, इतनी ख़तरनाक आयतें और उसका तर्जुमा है। तो जो आसार क़ियामत के लिए या क़ियामत से पहले बयान किए गए हैं, उसकी बहुत सारी आयतें हैं, हर एक की तरफ इशारा करना मकसूद नज़र नहीं है। दो तीन सूरों की कुछ आयतें आपके सामने आज बयान करता हूँ, ताकि हमारे लिए एक ज़मीना फराहम हो जाए कि इस माह मुबारक के रमज़ान में हम एक कदम आगे बढ़ाएं तर्जुमे की तरफ। तो बहुत सारी आयतें हैं जो आसार को वाज़ह करती हैं, तो उनमें से एक मशहूर मालूफ सूरा जो हमें क़ियामत की याद दिलाता है, मौत की याद दिलाता है और आसार क़ियामत की तरफ इशारा करता है, वो सूरह अन्नाज़िआत है। सूरह अन्नाज़िआत आखिरी पारे में मौजूद सूरा है, तो उसकी आयत नंबर 6 से 9 आप मुलाहिज़ा करें, यकीनन दिल दहला देने वाली आयतें हैं अगर इंसान का ज़मीर जिंदा हो, नहीं तो बहरहाल वही मिसाल जो कही जाती है बैला के सामने खुतबा पढ़े जैसा, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है।
अगर वाकई दिक्कत हो माना और मफहूम पर गौर हो तो इंसान गुनाहों की जानिब नहीं बढ़ेगा, नेकियों को बढ़ाने की कोशिश करेगा। इसलिए कि वो जो अजाम इन आयतों में या इस सूरे में बयान किया गया है वाकई इंसान के ज़मीरों को दिलों को छिजोड़ने के लिए, इंसान का दिल ही बेदार होना चाहिए। आयतुल्ला नासिर मुकारिम शिराजी से शुरू होता है, उस सूरे की ज़ैल में उस सूरे की तफसीर से पहले उन्होंने एक दास्तान नकल किया है। ज़रूरी नहीं है कि इंसान हिदायत पाने के लिए पूरा कुरान पढ़े, एक आयत से भी इंसान हिदायत नाजिल करता है। तो एक शख्स पैगंबर की खिदमत में आया और उसने कहा, या रसूलल्लाह मेरे पास टाइम बहुत कम है, अभी मेरा जानवर भी बाहर मेरे इंतज़ार में है, कोई उसका देखने वाला भी नहीं है, मैं चाहता हूँ अल्लिमनी मआलिम अद्दीन, मुझे दीन सिखाइए, कुरान सिखाइए खुलासे के तौर पर। तो पैगंबर इस्लाम ने एक सहाबी की तरफ इशारा किया और कहा कि तुम उसके पास चले जाओ, वो तुम्हें सिखा देगा। तो ये जाता है इत्तेफाक से उसी अय्याम में सूरह ज़लज़ला, सूरह ज़लज़ल की सूरह ज़लज़ल नाज़िल होता है। तो सहाबी इसी सूरह की तिलावत उसके सामने करता है और जब वो इस आयत पर पहुंचता है कि फ़मन यअमल मिथक़ाल ज़र्रतिन खैरन यरा वमन यअमल मिथक़ाल ज़र्रतिन शर्रन यरा, तो वो आने वाला सवाल करता है, क्या वाकई ये खुदा का कौल है, क्या वाकई ये खुदा ही ने फरमाया? हाँ हाँ, खुदा का कलाम है, सादिक खुदा सादिक अमीन वही इब्राहिम के ज़रिए से अपने सादिक तरीन बंदे पैगंबर के ऊपर नाजिल किया है, ये खुदा ही का कलाम है। तो वो फौरन इन दो आयतों को सुनने के बाद वहाँ से उठा और चला गया। सहाबी पैगंबर की खिदमत में शिकायत लेकर आए, या रसूलल्लाह आपने कैसे आदमी को भेजा, वो तो आया था पूरा दीन सीखने के लिए, पूरा कुरान सीखने के लिए, दो आयतों को सुनकर वो चला गया, उठकर चला गया, इसका बहुत कम हौसला था। तो पैगंबर इस्लाम ने जवाब में फरमाया, जा आ अरबियुन व रजअ फकीहन, तुम समझते हो कि वो ऐसे ही उठकर चला गया, नहीं, पूरा दीन समझकर वो फकीह बनकर उठ के गया है। इसलिए दो आयतें उसने समझ ली कि हमारे छोटे से छोटे अमल को खुदा देख रहा है, क़यामत के दिन वो हमारे सामने बयान कर देगा, चाहे नेकी हो तो भी चाहे बुराई हो तो भी। वो पूरे कुरान को समझ गया इन्हीं दो आयतों के जरिए से। तो जो गया है, तो आया था तो वो जाहिल था, वापस गया है तो इन दो आयतों के नतीजे में फकीह बनकर गया। तो ज़रूरी नहीं है कि इंसान पूरे कुरान को पढ़े तभी वो हिदायत पाएगा, ये और बात है कि इंसान जितनी आयतों की तिलावत करके उन पर अमल करता है तो उसे जन्नत में उतने ही दर्जे मिलते हैं। आपने सुना होगा छठे इमाम की हदीस है, आप फरमाते हैं कि इन्ना लिलजन्नत दरजातुन बिअदद आयातिल कुरान, जन्नत के दर्जे जो हैं वो उतने ही हैं जितने कुरान की आयतें हैं। इंसान जितनी आयतों पर अमल करता जाएगा उसे जन्नत में उतने दर्जे मयस्सर होंगे। तो इंसान के लिए ज़रूरी है कि वो आयतों पर अमल करे। तो सूरह अन्नाज़िआत की आयत नंबर 6-9 तक आप देखिए, खुदावंद आलम आसार क़यामत को इन आयतों में बयान कर रहा है, क़यामत से पहले जो हालात पेश होंगे उसकी तरफ इशारा कर रहा है। यौमा तरजुफुर रादिफा तत्बअुहा अर्रादिफा क़ुलूबुन यौमइज़िन वाजिफा अबसारुहा ख़ाशिअ, आयत नंबर 6, 7, 8 और 9 सूरह अन्नाज़िआत की। यौमा तरजुफुर रादिफा, एक दिन आएगा कि पूरी दुनिया जलजले का शिकार होगी, बहुत बड़ा लर्जा आएगा, ज़मीन में बहुत बड़ा झटका लगेगा। और तत्बा और हर रादिफा, उस लर्जे के बाद, उस झटके के बाद फिर एक और झटका, यानी क्या इंसान वो झटके को देखकर अभी
उसकी अकल ठिकाने पर नहीं रहेगी, वो सोचता रहेगा कि ये हो क्या रहा है। अभी वो सोचता ही रहेगा, उसी वक्त एक और झटका लगेगा, खतरनाक झटका। अल्लाह अकबर। तो फिर क्या होगा? कुलूबुन यौमाइज़िन वाजिफा, पूरी कायनात में जितने भी लोग होंगे उनके सब के सब, कुलूब कल्ब की जमा है और कल्ब दिल के माना में है, तो इंसान के दिल दहल जाएंगे उस लर्जे की वजह से, उस झटके की वजह से। हम बहुत सुनते हैं फलां जगह जलजला आया, वो भी कुछ सेकेंडों के लिए, 7 सेकेंड के लिए आता है, 10 सेकेंड के लिए आता है, तो क्या हालत होती है, क्या कैफियत होती है। लेकिन कयामत से पहले वो सेकेंडों का जलजला नहीं होगा, भले एक ही सेकेंड का जलजला, लेकिन इतना खतरनाक होगा कि पूरी कायनात दरहम बरहम हो जाएगी। तो तत्वा हर नाजफा, एक के पीछे एक लर्जा, एक के पीछे एक जलजला, एक के पीछे एक झटका आएगा। तो ये झटके देखकर इंसान के दिल दहल जाएंगे, क्या कैफियत होगी, कुलूब यौमा इज़िन वाजिफा, तो होश व हवास उनके उड़ जाएंगे और अकलें ठिकाने पर नहीं रहेंगी। तो इंसान के सारे अज़ा और जवारेह का बादशाह, इंसान के पूरे जिस्म और पूरे बॉडी का हाकिम जो है, लीडर जो है, वो दिल होता है। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जब दिल ही दहल जाएगा तो फिर बाकी अज़ा और जवारेह का क्या होगा। अगर दिल सालिम नहीं है तो ना उसकी अकल सलामत रहती है, ना उसके कान सलामत रहते हैं, ना उसके आज़ा व जवारेह सलामत रहते हैं। तो यहाँ पर कहा जा रहा है इंसानों के दिल दहल जाएंगे, उन लर्जों को देखेंगे, उन झटकों को देखेंगे। तो वो मंजर देखकर अबसार हुआ खाशिया, इंसान की आंखें अपने किए पर जिल्लत का इजहार करेंगी। उस वक्त सारे हकायक, सारे पर्दे इंसान की आंखों से हटा दिए जाएंगे, तब वो देखेगा कि मैंने जो आमाल बजा लाया है उसकी सजा क्या होगी, मैंने जो अच्छाइयां बजा लाई हैं उसका अजर क्या होगा। ये सारी चीजों को इंसान अपनी आंखों से देखेगा कयामत से पहले। तो उस दिन सारी हकीकतों से पर्दे उठेंगे, वहां पता चलेगा कि कोई एक दूसरे के काम आने वाला नहीं है। फिर क्या होगा, इंसान घबराएगा तो क्या सूरत हाल होगी। फिर ये सूरह तारिया की आयत नंबर 4 और 5 हैं। घबराने के बाद इंसान की क्या कैफियत होगी, अल्लाहु अकबर। यौम यकूनु الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش। लोग टिड्डियों के मानिंद, टिड्डियों के मानिंद बिखर जाएंगे। लोग सोचेंगे ऐसे मौके पर कि अब तो हमारा ठिकाना पहाड़ ही होगा, पहाड़ की तरफ बढ़ेंगे कि हम वहाँ जाके पनाह ले लेंगे। लेकिन जैसे ही पहाड़ के करीब जाएंगे तो देखेंगे कि वतकूनुल जिबालु कलअहनिल मनफूश, पहाड़ रूई की शक्ल इख्तियार करें। अब कहाँ जाएगा इंसान, सोच रहा है कि पहाड़ तो इतने मजबूत, वो तो जमीन के लिए मेखे हैं, जमीन को जलजले से बचाती हैं, लिहाजा हम जाएंगे वहां पना लेंगे, पहाड़ का सहारा लेने की कोशिश करेगा। तो पहाड़ भी रेजे रेजे होकर, पहाड़ रूई की शक्ल इख्तियार करेगा। तो ना पहाड़ उन्हें बचा सकता है और ना ही जमीन में उसके लिए सुकून रहेगा, इसलिए कि जलजला आएगा, जमीन में लर्जा होगा, जमीन में झटके लगेंगे तो परेशान होगा, दिल परेशान, जमीर परेशान, अकल हैरान, और सहारे के लिए पहाड़ नहीं। तो फिर ऐसी सूरत में क्या होगा इंसान का। وَكَانَتِ الْجِبَالُ كَثِيبًا مَهِيلًا, पहाड़ इतने रेजे रेजे हो जाएंगे कि सिर्फ कंकरियां दिखाई देंगी। इतनी पहाड़ इंसान चढ़ने के बाद फख्र करता है, उसे मिडाल दिया जाता है कि वो ये तो इसने तो इतनी पहाड़ की बुलंदी पर चढ़ा है, ये दुनिया का सबसे ऊंचा पहाड़ है, नंबर 1 पहाड़ है, इतनी ऊंचाई को उसने रस्सी के जरिए से तय किया है, उसे इनाम मिलेगा, मजबूत पहाड़। लेकिन उस वक्त क्या होगा, कंकरियों की मान, जैसे आप सहरा से गुजरते हुए देखेंगे कंकरियां छोटी छोटी रहेंगी, तो वैसे ही पहाड़ों की कैफियत होगी। तो न पहाड़ रहेंगे
ना इंसान के दिल से ही सालिम रहेंगे तो फिर कम से कम वहां पार्टी बचाएगी, जनता पक्ष बचाएगा, कौन सी पार्टी बचाएगी, है ना। तो वहां इंसान ये सोचेगा कि अब चलो नहीं पार्टी शायद हमें बचाएगी, ये सोचेगा कि शायद रिश्तेदार हमें बचा लेंगे, ये सोचेगा कि नहीं हमारे दोस्त अहबाब हमें बचा लेंगे, है ना, हम उसके बहुत बड़े फैन हैं, हाँ वो हमें बचा लेगा, वो हमारा हाई कमान है, वो हमें बचा लेगा। कोई नहीं बचाएगा। कुरान सूरह मोमिनून आयत नंबर 101 में इरशाद फरमाता है, फइदा नुफिख फिस्सूर फला अंसाब बैनहुम यौमइज़िन वला यतसाअलून, ये रोने वाली आयत है। जब कयामत का दिन आएगा तो दोस्तों का क्या होगा, रिश्तेदारियों का क्या होगा, कोई एक दूसरे के काम नहीं आएगा। तो वहां क्या होगा, फइदा नुफिख फिस्सूर, जब हजरत इसराफील एक सूर फूकेंगे तो कैफियत ये होगी कि फला अंसा व बैनहुम, लोगों के दरमियान कोई रिश्तेदारी बाकी नहीं रहेगी। बाप बेटे से भागता हुआ नजर आएगा, बेटा बाप से भागता हुआ नजर आएगा, दो भाई आपस में एक दूसरे से भागते हुए नजर आएंगे। ना तो ना रिश्तेदार काम आएंगे, ना मजबूत पहाड़ वहां हमारा सहारा देंगे। तो ऐसी सूरत में मुमकिन है कि दोस्त काम आ जाए, इसलिए कि हम तो दोस्तों के लिए जान कुर्बान करते हैं, माँ बाप को ठुकरा के दोस्त को हम इख्तियार करते हैं, भाई के लिए 100 रुपये हम खर्च नहीं करेंगे लेकिन दोस्तों की पार्टियों में 1000 रुपये खर्च करेंगे, वहां हमारे दोस्त काम आ जाएंगे। ओ मॉडर्न, क्या मॉडर्न उनकी दोस्ती है, आधी चट्टी पहन के वो जाएंगे और चेस करते हुए वो कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह इस्तेमाल करेंगे। चलो हमारा नया स्टाइल, हम तरक्की कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, हम लोग भी जो है फॉरेन की पॉलिसी को, वेस्टर्न कंट्रीज के तरीके को, आओ पियो चेस करो फिर हम पिएंगे। अरे माँ बाप को ठुकरा के जा रहा है, रिश्तेदारों को ठुकरा के जा रहा है, तो दोस्तों कम से कम वहां काम आएंगे। लेकिन अल्लाह अकबर, सूरह ज़ुख़रुफ़ की आयत नंबर 47 में खुदावंद आलम इरशाद फरमा रहा है, अल अखिल्लाउ यौमइज़िन बअदुहुम लिबअदिन अदू, क़यामत का दिन जब आएगा तो क्या होगा, एक दोस्त दूसरे दोस्त का दुश्मन बन जाएगा। इसलिए वहां यही कहेगा कि तेरी वजह से मेरी आज ये नौबत हुई है, वो कहेगा नहीं बदबख्त कहीं का, मैं तो मस्जिद को जा रहा था, तूने मुझे रोका था, तूने मुझे चेस के लिए बुलाया, तूने शॉर्ट पैंट पहनने के लिए मुझसे कहा था, है ना, तो तू मेरा दोस्त ना होता तो मेरी ये हालत ना होती। तो बअदुहुम लिबअदिन अदू, वो दोस्त एक दूसरे के दुश्मन बन जाएंगे। वहां जब देखेगा ऐसी ना, तो इस मंदिर के लिए हमें कयामत तक जाने की जरूरत नहीं है, कयामत में जाके यकीन हासिल करने की जरूरत नहीं है। बाहर बाहर दुनिया में भी आप देख सकते हैं, अब ये जो वबा फैली हुई है, कोई वेंटिलेटर में है तो ना शौहर बीवी से मिल सक रहा है, ना बीवी शौहर से, एक भाई ना दूसरे भाई से, किसी को पता चल गया है कि ये कोरोना पेशेंट है तो लोग उसे गुस्ल भी देने करीब नहीं जाते, उसे दफन करने भी करीब नहीं जाते, दो चार लोग बीवी पहन के जाएंगे उसे दफन करेंगे, है ना। तो आप यहाँ अंदाजा लगा सकते हैं, एक छोटा सा मरज, एक छोटी सी बीमारी का ये आलम है तो फिर कयामत की दहशत का क्या आलम होगा, वहां कौन काम आएगा, वहां कोई किसी के काम नहीं आएगा, तो कोई दोस्त काम नहीं आएंगे। हाँ बास दोस्त काम आएंगे, वो कौन दोस्त होंगे, इल्लल मुत्तकीन, वो लोग जिनकी दोस्ती तक्वे की बुनियाद पर थी। हम मदद कर रहे हैं दूसरे की नेकियों को बढ़ाने के लिए, है ना, नहीं ना ये कि उसके बुराइयों को बढ़ाने के लिए। कुरान मजीद की मशहूर और मारूफ आयत है, वतआमनु अलल बिर्र वत्तक्वा, तुम एक दूसरे की मदद करो नेकियों को बढ़ाने के लिए, तक्वे को मजबूत करने के लिए। वला तआमनु अलल इस्म वल उदवान, दूसरों की मदद ना करो, एक दूसरे की मदद ना करो इस्म यानी गुनाह, गुनाहों को बढ़ाने के लिए, दोस्ती को ठुकरा कर दुश्मनियों को बढ़ाने के लिए ऐसी चीजों में मदद ना करो। ये पूरा हमारी जिंदगी में उल्टा है ना, हम नमाजियों को बढ़ाने के बजाय हम अपनी महफिल में गीबतों को बढ़ाने के लिए दोस्तों को बढ़ाते हैं। आज 4 लोग बैठे हैं, बहुत मजा आया, इसकी तारीफ होगी दूसरों के सामने तो कल 6 लोग हो जाएंगे,
क्यों? इसलिए कि वहां जाएंगे, वहां उस मोमिन की बेइज्जती होगी, वहां उस मोमिन को जलील किया जाएगा, फुला साहब की नकल उतारी जाएगी, उनको रुस्वा किया जाएगा, बहुत हंसेंगे, खेलेंगे, कूदेंगे, मजा आएगा। आज 6 लोग हो गए, कल 8 लोग हो गए, परसों 10 लोग हो गए। ये लोग जो बुराइयों को बढ़ाने के लिए बढ़ावा बढ़ रहा है, ज्यादा हो रहे हैं, लेकिन नमाजियों की तादाद पे कोई इजाफा नहीं। क्यों? इसलिए कि हमने मदद किया ही नहीं, हमने दूसरे को फोन करके अपने साथ नमाज के लिए लिया ही नहीं, है ना। तो ये एक परेशानी, तो वहां कोई दोस्त काम नहीं आएंगे। अल अखिल्ला यौमइदिन बअहुम लिबअदिन अदु, वहां दोस्त अखिल्ला या खलील की जमा है, खलील के मानी दोस्त के हैं, तो कोई दोस्त वहां काम नहीं आएगा, दोस्त दुश्मन हो जाएगा, दोस्ती दुश्मनी में तब्दील हो जाएगी। तो कुरान ने कयामत की ये कैफियतें बयान की हैं, है ना। मजबूत से मजबूत पहाड़ उसका सहारा नहीं, रिश्तेदारों पर वो तकिया करता है, वहां रिश्तेदार काम नहीं आएंगे, दोस्त कोई है कमान कोई पार्टी वहां काम नहीं आएगी। तो ऐसी सूरत में अगर इंसान के कुछ काम आ सकते हैं तो क्या है, वो खुद इंसान के अपने आमाल हैं, वो अमल जो अपने साथ लेकर जा रहा है वही उसके काम आने वाला है। जब कुरान मजीद ने यह हालत बयान की है तो फिर क्यों एक दूसरे से दुश्मनी, क्यों एक दूसरे से नफरत। आज दो बहनें आपस में देखिए, एक बहन दूसरे बहन से कहती है मैं जिंदगी भर तुमसे बात नहीं करूंगी, एक भाई दूसरे भाई से नाराज होकर कहता है कि मैं तुझे अपने जनाजे में भी देखना नहीं चाहता। ये हालात आपकी निगाहों में है, मुझे बयान करने की जरूरत नहीं है। शौहर अपनी बीवी से नाराज है तो बीवी को ठुकराया हुआ है, उसकी देखभाल नहीं होती है, बीवी शौहर से नाराज है तो वो अपने शौहर को छोड़ के दूसरी जगह पनाह लेने चली जाती है। ये हालात आज हैं, कुछ नहीं बनता तो आखिरी उनका स्टैंडर्ड क्या होगा, जो बहुत ज्यादा मॉडर्न होंगे, उनकी नौबत खुला और तलाक तक पहुंचेगी, है ना। अभी अभी शादी हुई है, 2 महीने भी नहीं गुजरे, अभी तलाक की नौबत है, हमारा माइंड सेट नहीं हो रहा है भाई। चैटिंग के जरिए से तुम एक दूसरे से मोहब्बत किए थे तो क्या माइंड सेट, तकवे की बुनियाद पर तुम रिश्ता तय करते, नमाज पर और रोजा देख कर उससे रिश्ता कायम करते तो कुछ बात होती। तुमने तो उसकी खूबसूरती को देखा था, तुमने तो उसकी चैटिंग को देखा था, ना जानते हुए वो कहीं पड़ी है, तुम कहीं पड़े हो, तुम रिश्ता निभाने की कोशिश करोगे तो कैसे ये रिश्ता जमेगा। तो नतीजा क्या होगा, खुदा तलाक तक नौबत आ रही है और कोर्ट कचहरी के चक्कर काटे जा रहे हैं। ऐसा क्यों है? इंसान को मालूम है कि मैं कितने दिन जिंदा रहूंगा, फिर भी ये कैफियतें हमारी हैं। तो ऐसे मौके पर कोई चीज काम आती है तो वो सिर्फ और सिर्फ इंसान के आमाल। याद रखिए, अगर इंसान का ज़मीर जिंदा ना हो, उसके पेट हराम गजाओं से पाक ना हो, शिभा नाक गजाओं से इंसान महफूज ना हो, तो किसी की वाज और नसीहत का भी असर नहीं होगा, वो तो उल्टा और मशवरा करेंगे, मौलवी साहब का काम ही क्या है, उनका काम ही बोलना है ना, यही कह के जो है टाल दिया जाएगा। कभी ये बात उनके जहन में नहीं आई कि आज पूरा खुतबा मैंने सुना है, वो एक जुमला अच्छा लगा, मैं उस जुमले पर अमल करूंगा, है ना। क्यों? ये हमारी गजाओं का फॉल्ट है, ये हमारी गजाओं का प्रॉब्लम है कि हम सही गजा हम अपने पेटों को नहीं देते हैं। तो याद रखिए, मुझ जैसे तालिब इल्म या किसी बड़े से बड़े मर्जे की बात तो दूर की बात, अगर खुदा ना खास्ता, खुदा ना खास्ता, खुदा ना खास्ता इंसान के पेट में हलाल गिज़ा ना जाए तो वक्त का इमाम भी नसीहत करेगा तो भी उस पर असर नहीं होगा। इसकी बेहतरीन मिसाल वाकई करबला है। करबला में मौला हुसैन ने दुश्मनों को मुखातब करके क्या कहा, मुझ जैसा एक इमाम जो हिदायत का सर चश्मा है, मैं रसूल का नवासा, अली और बतूल का बेटा, अल्लाह की तरफ से नुमाइंदा, मैं एक इमाम तुम्हें नसीहत कर रहा हूं, तुम पर असर नहीं हो रहा है। क्यों? मुले अतबुतूनकुम मिनल हराम, इसलिए कि तुम्हारे पेट हराम गजाओं से भर चुके हैं। हराम का मतलब हरगिज ये नहीं है कि सिर्फ हम चोरी करके खाएं तो हराम है, झूठ बोल के लूट के खाएं तो हराम है, किसी की प्रॉपर्टी हड़प करेंगे तो ये हराम है, वो तो है ही,
लेकिन अगर हम अपने माल का खुम्स भी अदा नहीं करेंगे और बगैर खुम्स अदा किए हम माल इस्तेमाल करेंगे तो वो भी हराम है, उन गजाओं का भी हमारे ऊपर असर होगा, उसका भी इफेक्ट होगा। तो ये हमें सोचना चाहिए कि हम किस दर्जा हम हलाल और हराम की रियायत कर रहे हैं। क्यों? इसलिए कि यही चीजें तो वहां काम आएंगी, है ना। तो वाज़ और नसीहत इंसान के लिए, बुजुर्ग उलमा की रविश रही है, वो छोटे छोटे तालिबों से कहते थे कि तुम मेरे लिए नसीहत करो। आज नसीहत का नाम, और आप लोग हमारे यहाँ बुजुर्ग मौजूद हैं, पुराने लोग जानते हैं कि पुराने लोग मजलिस में जाते थे तो ये नहीं कहते थे कि हम खिताबा सुनने जा रहे हैं, मजलिस सुनने जा रहे हैं। पुराने लोग, हमने अपने बुजुर्गों को देखा है, हमारे वालिद हो या हमारे उनसे बुजुर्ग जो लोग हैं, वो कहते थे मैं वाज सुनने जा रहा हूँ। वाज का मतलब क्या है? नसीहत। मिंबर पहले नसीहत के लिए इस्तेमाल किया जाता था, आज मिंबर खेल कूद की जगह बन चुकी है। हम जितना नचाएंगे लोगों को उतना ज्यादा वो मजलिस कामयाब है। क्या हुआ? धूल धूल उड़ा दिया मौलवी साहब ने, है ना। ये मजलिस हमारे लिए निगाहों में क्या है? ये कामयाब मजलिस है। जरा बराबर भी वाज और नसीहत करो तो फिर ये सुनने को मिलता है, है ना। मैं बहरहाल पहले भी इशारा कर चुका हूँ, एक जगह ईरान से आया था तो नया नया जोश था, नमाज की दावत मैंने देने के लिए पूरी मजलिस नमाज के ऊपर पढ़ी तो पीछे से एक आदमी ने कह दिया लगता है मौलवी साहब को अगली बार नहीं आने का है, है ना। तो ऐसे ही हुआ, अभी तक मैं वहां नहीं गया। एक बार जाके क्या नमाज की दावत दे दिया तो फिर मुझे दोबारा वहां दावत ही नहीं मिली है, सही। तो ये हमारा सिस्टम बन चुका है। तो हमें वाज और नसीहत और उसके कबूल करने का भी मादा हमारे अंदर होना चाहिए, एक रास्ता फराहम होना चाहिए। एक बहुत बड़े आरिफ, ये तवज्जो करने वाली बात है जिनको आज के इस खुतबे का हदिया, इसे समझ कर ले जाना। तो एक बहुत बड़े आरिफ आलिम बुजुर्गवार गुजर रहे थे और गुजरते गुजरते एक बस्ती में पहुंचे, वक्त नमाज आया। चूंकि बड़े बुजुर्ग आलिम थे, वाइज थे, वाद और नसीहत किया करते थे, अच्छे आलिम दीन थे, नमाज के लिए पहुंचे तो लोगों ने इनको पहचान लिया और लोगों ने इनसे ख्वाहिश की, तकाजा किया कि अब नमाज के बाद आप हमारे लिए वाद और नसीहत करें, कुछ मुआवजा करें, कुछ समझाएं, कुछ नसीहत आपकी तरफ से हो जाए। तो ये नमाज के बाद खड़े होते हैं, दो सवाल लोगों से करते हैं और कहते हैं कि देखो आज हम ईशा की नमाज हमने मुकम्मल किया है, तुम में से कौन है जो मुझे ये लिख कर दे कि कल सुबह की नमाज भी मैं पढ़ूंगा, है ना। कौन गारंटी के साथ लिख कर दे सकता है कि कल सुबह भी मैं नमाज पढ़ूंगा? तो सब के सर झुक गए, इसलिए कि अब मौत का तो कोई इंसान ना वो जवानी देखती है, ना ज़ईफ़ी देखती है, ना बीमारी देखती है, ना सेहत देख सकती है। इंसान कभी भी दुनिया से जा सकता है, लोगों को मालूम तो कोई उठा नहीं, किसी ने अपना हाथ बुलंद नहीं किया कि ये काम तो नहीं हो सकता। कौन गारंटी के साथ लिख के दे सकता है कि कल सुबह भी हम नमाज अदा करेंगे? अच्छा, फिर कहा कि ईशा की नमाज तो मुकम्मल है, अब मुझे दूसरे सवाल का जवाब दो। क्या कहा? अगर मलकुल मौत इस वक्त आ जाए तो कौन ये कहे कि मैं मरने के लिए तैयार हूं? सही। तो फिर भी सबके सर खामोश, ना जिंदगी के लिए किसी का हाथ उठ रहा है, ना मौत के लिए। तो फिर तीसरा जुमला उन्होंने ये कहा कि देखो ना कल सुबह के जीने का यकीन है, ना मलकुल मौत से मुकाबला करने की हिम्मत है, सही तुम्हारे अंदर, तो फिर अपने को क्यों तैयार नहीं करते, ना एक तरफ जिंदगी का यकीन नहीं, दूसरे तरफ मौत के लिए तैयारी भी नहीं है, तो मैं क्या नसीहत करूँगा? तो इंसान को गौर करना चाहिए। तो खुदा की याद से किसी सूरत इंसान वाफिल ना हो, खुदा की याद हमारे काम आएगी, जिक्र इलाही, जिक्र परवरदिगार कयामत के दिन हमें काम आएगा। इंसान मौत की याद, रिवायत में है कम से कम रोजाना इंसान को चाहिए कि 20 मरतबा मौत को याद करे। ये बिल्कुल उल्टा, जहां मौत की बात आती है छोड़वा हुए कहो, है ना। ये क्या हमारी फिक्र है, सही। दूसरा टॉपिक मिला नहीं करे तुझे, ये क्या मिला सो, ये हमारी मुसीबत है। अहदीस में कहा जा रहा है क्यों मौत की याद? इसलिए कि इंसान को मरना तो तय है, मौत की याद इंसान को गुनाहों से बचाती है, इसीलिए
मासूमीन ने फरमाया कि वो शख्स हम में से नहीं है जो रोजाना कम से कम मौत को 20 मरतबा याद ना करता हो, वो हम में से है जो 20 मरतबा मौत को याद करता हो। तो अव्वल वक्त में नमाज को अहमियत दीजिए। अगर हम वाकई तरक्की चाहते हैं, कामयाबी चाहते हैं, तो खुदा ने जो सिस्टम बयान किया है उसे हमें फॉलो करना होगा। आज इमाम खुमैनी, बहरहाल आप देखते हैं कि कितना उनका नाम है और कैसी उनकी फिक्र मौजूद है। दुनिया भर में जहां कहीं भी इंकलाब बरपा होता है तो उसका आइडियल इमाम खुमैनी की जात है। तो ये कहां से उनको मिला? वो आसमान से लेकर आए थे या किसी पैगंबर की तरह उनके ऊपर अल्लाह ने किसी जिब्राइल को नाजिल किया था? नहीं, वो भी हमारी और आपकी तरह एक आम घराने में पैदा हुए थे, लेकिन उन्होंने ऐसे अपनाया, उनकी जिंदगी में मिलता है अल्लाह अकबर। अब देखिए अजीब बात है, एक बहुत बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस है, न फकत ईरान के बड़े बड़े चैनल वाले बल्कि फॉरेन कंट्रीज के भी लोग आए हुए हैं, सब जमा है वहां इमाम खुमैनी से इंटरव्यू लेने के लिए, सारे लोग मौजूद, सबके माइक अपने अपने हाथ में, सवालात हुए जा रहे हैं। सवालात के दरमियान इन्होंने अपने बेटे अहमद खुमैनी से पूछा, कहा बेटा बताओ कि ये कौन सा वक्त है? कहा बाबा अब अजान से करीब हो रहे हैं, नमाज का अव्वल वक्त है। किसी से सॉरी तक नहीं कहा कि सॉरी मुझे नमाज का टाइम हो गया, मैं 10 मिनट के बाद मिलूंगा। जैसे ही अव्वल वक्त का इल्म हुआ फौरन उठे और जाने लगे। लोगों ने कहा अभी तो आपके सवालात का मुलाकात का सिलसिला शुरू है, आप उठ के जा रहे हैं। इमाम खुमैनी ने कहा जब खुदा से मुलाकात का टाइम आ जाए तो लोगों की मुलाकात नहीं है। और ये हमारा क्या है, किसी भी मजलिस में हम बैठे रहे, जानबूझ के हमारा मोबाइल ऑन रहता है, शायद बाहर हम म्यूजिक उसकी आवाज, टोन की जो आवाज कम रखते हैं मजलिस के लिए ज्यादा, जैसे ही आएगा मसायब होता रहे, फजाइल होता रहे, हमें कोई परवाह नहीं है, उठ के भागो। नहीं भाई इशारा कर रहे हैं, वो खुद भी इसमें शामिल है, है ना? तो ये एक प्रॉब्लम हमारे सबके साथ है। तो है ना, इसीलिए ईरान की मस्जिदों में ये नहीं लिखा जाता कि आप स्विच ऑफ कर दें जैसे यहाँ लिखा है, वहां यही लिखा जाता है कि जब खुदा से राबेता हो रहा है तो बंदों से क्यों, एक सवाल वहां लिखा जाता है। तो लोग अपने मोबाइल को बंद कर देते हैं या कम से कम साइलेंट कर देते हैं कि नमाज में कोई डिस्टर्ब ना हो। तो इमाम खुमैनी की कामयाबी यही है। ये इतना ही नहीं, और देखे इमाम खुमैनी आखिरी दिनों में हॉस्पिटल में है, है ना? तो हम लोग कुर्सियों में बैठ कर नमाज पढ़ते, ये हमारा अपना जमीर है, बहरहाल इंसान के लिए है, यह अहकाम भी है कि इंसान जिस हालत में वो नमाज अदा कर सकता है उसमें करे, लेकिन हमारी जान है कुर्बान। इमाम खुमैनी जिंदगी के आखिरी अय्याम है, आखिरी नमाज भी आप उनकी देखिए किस कैफियत में उन्होंने अदा किया, ये यूट्यूब पर मौजूद है ना। इतने बुरे हालात होने के बावजूद भी मुकम्मल नमाज उन्होंने खड़े होकर तमाम अरकान के साथ सजा लाया है, है ना? एक छोटी सी जख्म, छोटा सा जख्म, छोटी सी चोट हमारे ऊपर आ जाती है तो हम फौरन कुर्सी का सहारा लेते हैं। ये मैं बुरी बात नहीं कर रहा हूँ और किसी के लिए कोई नेगेटिव पॉइंट भी नहीं है, मैं कह रहा हूँ कि हम में और इमाम खुमैनी में फर्क क्या है, है ना? तो वो हॉस्पिटल में है, एडमिट है, तो तालिब इल्म उनकी खिदमत के लिए जाया करते थे। एक तालिब इल्म था और उन्होंने उस तालिब इल्म से कहा कि बेटा मुझे ऐसे महसूस हो रहा है कि मुझे नींद आ रही है, बेटा मैं एक काम करता हूं, मैं थोड़ी देर लेटता हूं, अव्वल वक्त जैसे ही अजान शुरू हो मुझे बेदार कर देना। अल्लाह अकबर। इमाम खुमैनी ये कहकर बिस्तर पर लेट जाते हैं, तालिबे ने देखा है कि बहुत दिनों से नींद नहीं आई, इत्तेफाक से नींद आ जाती है तो अजान खत्म हो जाती है, उस वक्त भी ये सोचता है कि अभी तो आराम कर रहे हैं, आधा घंटा कम से कम ये आराम कर लेंगे, आधे घंटे के बाद नमाज तो खजा नहीं हो जाएगी, फिर मैं इनको बेदार कर दूंगा, ये उठ के नमाज पढ़ लेंगे। तालिबिल्म इन्हें नहीं जगाता, अजान खत्म होती है फौरन इनकी आंख खुल जाती है। तालिबिल्म को बुलाते हैं और उसे डांटते हैं कि तुमने ये क्या कर दिया, अभी वक्त क्या हो गया? कहा अभी तो अजान खत्म हुई है। कहा मुझे क्यों बेदार नहीं किया? कहा मैं सोच रहा था आप आराम फरमा रहे हैं। तो उन्होंने जवाब दिया मेरा आराम तो नमाज में है ना, मेरा आराम
नमाज में है, बिस्तर पर मुझे आराम नहीं मिलेगा, तुमने क्यों मुझे नहीं जगाया, है ना। तो इस दर्जा तो बहरहाल हमें अपने अखलाक को सुधारने की जरूरत है, हमें अपने किरदार को सुधारने की जरूरत है। हमारे बहरहाल मैं अर्ज करूंगा आपकी खिदमत में, तो अव्वल वक्त में इंसान नमाज से गाफिल ना हो, वो मौत से गाफिल ना हो, खुदा की याद से गाफिल ना हो, तो यही चीज़ें इंसान को आखिरत के अजाब से बचाती हैं, इंसान को महफूज रखती हैं। खुदा की बारगाह में दुआ करता हूँ वाकई मानों में खुदा बंदे आलम हम सबको तक्वा इख्तियार करने, अमल सालेह बजा लाने और खुदा के लिए काम करने की तौफीक अता फरमाए। इस तौफीक के लिए बुलंद आवाज में सलावत पढ़ दें। अच्छा, दूसरा कुछ बातें हैं जो आपके सामने अर्ज करना है, वक्त भी तेजी से गुजर रहा है। तो सबसे पहली बात आपकी खिदमत में ये कि आप बखूबी जानते हैं कि ये दूसरी लहर दौड़ रही है, सेकेंड वेव कोरोना वायरस का, कोविड 19 का आपकी निगाहों के सामने है। अब रोजाना इतने केसेस बढ़ रहे हैं, अब कोई कहता है ये फेक है, कोई कहता है सच है, अब इसके बारे में तो हमें चूंकि हम उसके अहल नहीं हैं तो ज़्यादा तहकीक नहीं करना चाहिए। हमारा काम है गवर्नमेंट के इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना, जो कवानीन वो बयान करती है। तो हमारी खुतबा जुमा से आपके खिदमत में ख्वाहिश यही है कि मजालिस हों या महाफिल हों या नमाज, तो आप जो इंस्ट्रक्शन बयान किए गए हैं, जो डिस्टेंस होना चाहिए उस डिस्टेंस का, इसलिए कि सिर्फ ये गवर्नमेंट ने बयान नहीं किया है बल्कि हमारे मराजे ने इस वक्त, चाहे आयतुल्लाह खामेनाई हो, आयतुल्लाह सिस्तानी हो, आयतुल्लाह मुजाहिद शिराजी हो या आयतुल्लाह बशीर नजफी हो, इन सबों ने एक मीटर की इजाज़त दे रखी है, यानी 3 फुट का फासला इंसान रख के भी नमाज पढ़ सकता है। तो अब यहाँ हमारी अपनी मनमानी चलाने की ज़रूरत नहीं है, जब एक मर्जा हमसे ये कह रहा है और इजाज़त दे रहा है तो फिर हमें अपनी तरफ से कोई हुक्म बनाने की ज़रूरत नहीं है। तो अब मैं ये नहीं कहता कि टोटल 3 फुट भी होना चाहिए, लेकिन उसका आधा तो कम से कम हमारे अंदर होना चाहिए ना, यानी एक आदमी खड़ा हो जाए उसके बाद एक आदमी की कम से कम जगह छोड़ के फिर उसके बाद अगला आदमी रहे। तो ये एक है कि नमाज और मजालिस में थोड़ा फासले की रियायत हम करेंगे। दूसरा ये भी आपको मालूम है कि यहाँ अगर जगह फुल हो जाती है तो ऊपर भी नमाज अदा हो सकती है, जब जमात हो रही है तो वहाँ पर भी आप जमात कायम कर सकते हैं। और एक बात इस हवाले से, जो मास्क
इसके हवाले से भी बहुत सारी बातें हैं कि मास्क लगाना, कोई डॉक्टर कहता है कि इसमें नुकसान है, कोई कहता है कि सेफ्टी है, लेकिन अब क्या करें। एक तो फाइन से भी, और खुदा ना खास्ता वो आएंगे चेक करेंगे मस्जिद ही को बंद कर देंगे, तो इसमें हमारा ही नुकसान है, हम ही इबादतों से महरूम होंगे। तो ज़रूर इस बात का भी ख्याल रखें, मास्क वगैरह भी लगाएं। ये सबसे पहले मुझे करना चाहिए, लेकिन मुझे यहाँ बोलना होता है तो मैं इस वजह से मास्क नहीं लगा पाता, वरना इंशाल्लाह जब तक सलाम नोहा मर्सिया होगा तब तक मैं भी मास्क लगा के बैठा रहूँगा, ताकि मैं खुद अमल करूँ फिर आप लोगों को दावत दूँ। तो ये भी एक, और दूसरे जो पाकी सफाई और नज़ाफ़त है उसका भी ख्याल, और वजू वगैरह हत्तर इम्कान कोशिश करें अपने ही घरों से वजू करके आ जाएं, ताकि यहाँ एक दूसरे के पीछे जाएं और एक जगह पर दूसरा आदमी भी पीछे फौरन बैठे, कोई उसका साइड इफेक्ट उस पर ना हो। होगा नहीं इंशाल्लाह, खुदा का घर है, अहले बैत का दर है, लेकिन हमें हमारी तरफ से कोई कोताही और गफलत नहीं करनी चाहिए, तो इस बात की भी रियायत करें। तो हमारी आपसे मुखलिसाना आजिज़ाना गुजारिश है अपनी तरफ से और यहाँ की अंजुमन, यहाँ की चैरिटेबल की तरफ से, कि आप लोग फासले की रियायत करें, मास्क लगाएं और बाकी सफाई का ख्याल करें। सलावत पढ़ें मुहम्मद वाले। दूसरा एक बात यकीनन आपके कानों तक ये खबर पहुंची होगी, फिर एक खटिया और पस्त, मैं तो आदमी और इंसान भी उसे कह नहीं सकता, एक घटिया मखलूक सिंघानंद नामी एक नॉन मुस्लिम, एक हिंदू ने पैगंबर की शान में उसने गुस्ताखी की है। पहली उसकी गुस्ताखी ये है कि आपने देखा है हर हिंदू हो या सिख हो, कोई भी हो, पैगंबर का नाम एहतराम से लेता है, प्रॉफिट मोहम्मद कह के या मोहम्मद रसूल कह के वो पैगंबर को याद करता है, लेकिन इस मरहून ने सिर्फ मोहम्मद कह के पैगंबर को याद किया है। खुदा इससे बारत करे, इसके जबान को लकवा कीड़े जो आप बोल सकते हैं वो बोलिए कि इसको एक सज़ा ऐसी मिल जाए दूसरों के लिए ये इबरत बन जाए, है ना। वो गवर्नमेंट की सज़ा वो सब तो अपनी जगह, लेकिन दूसरों के लिए, लोगों के लिए भी एक इबरत बन जाए ऐसी सज़ा की भी आप बदुआ इसको करते रहें। तो एक गुस्ताखी तो ये कि पैगंबर को इसने नाम से याद किया है आगे पीछे किसी एहतराम की रियायत ना करते हुए। दूसरी गुस्ताखी जो इस मरहूम ने ये किया है कि पहले इंसानियत पूरे आराम से थी, जब से ये मोहम्मद उठे हैं तब से ज़मीन पर फसाद जारी हुआ है ना, जबकि पैगंबर इस्लाम ने जितना अमन का पैगाम दिया है, जितना सुलह सफा का पैगाम दिया है, किसी और कम्युनिटी के लीडर ने उतना पैगाम नहीं दिया है। तो इस तरीके से गुस्ताखी की है, इस पर बहुत सारे मुसलमानों ने रिएक्शन का इजहार किया है, लोगों ने एक्शन लिया है, हत्ता दिल्ली के मिनिस्टर जनाब अग्रीवाल, क्या है केजरीवाल, अरविंद केजरीवाल ने भी स्ट्रिक्ट डिसीजन लिया और सजा का मुतालबा उसने हाईकोर्ट से किया है। इंशाल्लाह इसे सजा मिलेगी, और यहाँ नहीं मिलेगी तो बहरहाल वैसे भी इसे जहन्नम में जाना था, लेकिन इसके जहन्नम का अज़ाब भी और बहुत ज़्यादा इसने मोल लिया है। तो ये एक बात थी। तो इस वाक़े के ज़ैल में मैं अपनी तरफ से और यहाँ की कम्युनिटी की तरफ से तमाम मुसलमानों की खिदमत में अर्ज़ करता हूँ कि इस मरहून के हवाले से हमें बेदार रहना चाहिए और ऐसा कदम उठाना चाहिए ताकि आइंदा कोई और ऐसी गुस्ताखी ना करे। सरकार से भी हमारी अपील है कि ज़्यादा से ज़्यादा और जल्दी से जल्दी इस मरहून को कैफर किरदार तक पहुँचाएँ। और एक बात जो हमें अर्ज़ करना है, ये भी आप लोगों को मालूम है, हम बिल्कुल माह मुबारक रमज़ान से करीब हो रहे हैं, रमज़ान मुबारक हमारे करीब है, बहुत करीब है। इसमें बहरहाल अफ्तारी का जो सिस्टम है वो तफसीलात से आपके सामने बयान किया जाएगा, वक्त तो नहीं है, किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा ये आप मुलाहजा करेंगे, लेकिन आपसे ख्वाहिश ये है कि जो मोमिनीन अब तक अफ्तारी देते आ रहे हैं, हिस्सा लेते आ रहे हैं, और गुज़िश्ता लोगों में से कोई ना हो तो आप डेट मालूम करके या अपने हिसाब से जो डेट में आप देना चाहते हैं ज़रूर इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें, इसका बहुत ज़्यादा सवाब है। मैं फ़ज़ाइल इंशाअल्लाह
आने वाले दिनों में बयान करूंगा। तो इस माह मुबारक रमजान में चूंकि हालात आपके पेश नजर हैं, तो बहुत तफसीली प्रोग्राम नहीं होंगे। अमाल वगैरह का जो सिलसिला रहेगा, इंस्ट्रक्शंस आइंदा जो आएंगे उसी हिसाब से फैसला दिया जाएगा, आपकी खिदमत में पेश करेंगे। लेकिन फिलहाल के लिए जो हमने सोच रखा है वो सुबह नमाज के बाद 10 मिनट की तफसीर कुरान की क्लास होगी, बहुत मुख्तसर। और दूसरा, नमाज के बाद जो तफसीर होगी, तफसीर के बाद सुबह कुरान खानी भी होगी, शाम में शायद ना हो सके आइंदा के हालात को मद्देनजर रखते हुए। तो सुबह ये सिस्टम रहेगा, क्लास तफसीर का क्लास और कुरान खानी। जहर में जवानों के लिए, जवानों से मतलब एट से लेकर के सेकेंड पीओ तक के बच्चों के लिए इंशाल्लाह खुसूसी अहकाम उनके लिए बयान किए जाएंगे। लिहाजा तमाम नौजवानों से और तमाम नौजवानों के वालिदैन से गुजारिश है कि जहर के वक्त आप सब तौर पर सारे इम्तहान टल चुके हैं लोगों के स्कूल्स में, तो वक्त भी है, बच्चे भी घरों में हैं, बजाय इसके कि दूसरी चीज़ों में वो टाइम पास करें, यहाँ पर टाइम पास कर सकते हैं। यानी अहकाम हासिल करने के साथ साथ अपनी ज़िंदगी को मुनज़्ज़म। बहरहाल दूसरा, इस महीने की अहम बरकतों में से मैं बिल्कुल कहीं ऐसा ना हो कि फजीलत का वक्त हमसे चला जाए, नमाज बातिल वाला मसला नहीं है, देर हो जाए तो लेकिन फजीलत ख़त्म हो जाती है। तो रमज़ानुल मुबारक की बरकतों में से एक अहम बरकत मोमिनीन का इत्तेहाद है, मोमिनीन को इत्तेहाद। मैं तमाम मोमिनीन यशवंतपुर से गुजारिश करूंगा, एक तालिब इल्म होने के नाते, आपका नौकर आपका खादिम होने के नाते, कि इत्तेहाद को अपनाएं, वहदत को अपनाएं, यूनिटी से काम लें। यूनिटी इज़ द स्ट्रेंथ, यूनिटी ही हमारी ताकत है। माह मुबारक रमज़ान अल्लाह का महीना है, अल्लाह के लिए एक हो जाएं और अल्लाह के लिए, इस कौम की तरक्की के लिए काम करें। खुदा की बारगाह में दुआ है, खुदाया मुहम्मद आले मुहम्मद के सदक़े में तुझे वास्ता मैं देता हूँ, अहले बैत अलैहिमुस्सलाम का, चाहता मासूमीन का, हमारी दुआओं को मुस्तजाब फरमा, नेक तौफीकात में इजाफा फरमा, दुनिया भर में जो मोमिनीन और मोमिनात परेशान हाल हैं उनकी परेशानियों को दूर फरमा, जो बीमार हैं उन्हें शफाए कामिल आजिल अता फरमा, तेरी आखिरी हज्जत के ज़ुहूर में ताजील फरमा, हम सबको उनके आमान और अंसार में शुमार फरमा। اللهم صل على محمد وآل محمد.
بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا.